हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम बनाने वाले हैं एकदम हलवाई के जैसे लौंग लत्ते। घर पे बहुत ही आसान है बनाना इस तरीके से। चलिए बनाना शुरू करते हैं लौंग लत्ते को। लौंग लत्ते को हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए अंदर कितना अच्छे से ये इसमें जो रसा गया है कितना जूसी बन के तैयार हुआ है। बहुत बेहतरीन बना है, एकदम हलवाई के जैसे बन के तैयार हुआ है। हाफ के जी हमने ये चीनी ले लिया है। अब हमें कोई बर्तन ले लेना है। हम ये ले लेते हैं पैन को और चीनी को इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम हाफ लीटर पानी। हमने ये हाफ के जी चीनी यूज़ में लिया और ये बराबर मात्रा में होनी चाहिए। जितना आप पानी यूज़ करते हैं उतना आपको चीनी लेना है। देखिए हमने डाल दिया। अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। चाशनी को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। चूल्हे को ऑन कर देना है। लगातार चलाते हुए चीनी को हम गला लेंगे। चाशनी में जाएगा इलायची। फ्लेवर के लिए हमने दो ये इलायची ले लिया है। अब इसको डाल देते हैं। अब ऐसे लगातार चलाते हुए हम चीनी को गला के तैयार करेंगे। पहले चीनी गल गई है। 10 मिनट तक हम चाशनी को पका के तैयार करेंगे। तो एकदम परफेक्ट चाशनी जो है तैयार होगी। 10 मिनट हो गए हैं, चाशनी जो है तैयार हो गई है। एक तार की हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए। चाशनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। आटा हमें यूज़ करना है। हमने ये मैदा ले लिया है एक कटोरी। अब हमें ले लेना है कोई बड़ा बर्तन। हमने ये कटोरा ले लिया है और इसमें ये मैदे को डाल देते हैं। तो इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, हल्का सा जाएगा चुटकी भर नमक। मैदे में हम मोइन के लिए यूज़ करेंगे तेल। हमने ये फॉर्चून का तेल ले लिया है मोइन के लिए। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन जो है अच्छे से तैयार हो गया है। जब आटे को हम लेके ऐसे है हाथों से बांध रहे हैं तो ये मुट्ठी में ये बंध जा रहा है। अब इसको हम आटे को गूंथ के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ले लिया है नॉर्मल पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटे को सख्त गूंथ के तैयार करना है। आटे में ऑरेंज ये कलर डाल लेते हैं। कलर हम स्टार्टिंग में भूल गए हैं, इस समय डाल के आटे को गूंथ लेंगे। इसके साथ आटे को गूंथ के हमने ये तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितना टाइट आटा है। ऐसे ही होना चाहिए। इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देते हैं आटे को। खोए में जाएगा ये इलायची पाउडर और मीठे के अनुसार इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। हम 2 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। ये मीठा अब इसे मिक्स कर लेंगे। इतने में मीठा हो जाएगा। खोया जो है मिक्स हो गया है, तैयार हो चुका है। 10 मिनट हो गए हैं, आटा जो है अच्छे से सेट हो गया है। देखिए नरम हो गया है, पहले कितना सख्त टाइट था आटा। अब इसमें से हम आटे में से ले लेते हैं और ऐसे करते हुए इसमें से हम 2 तोड़ लेंगे। देखिए साइज़ जो है हम लोग रोटी बनाते हैं उसके साइज़ का। और इतना रख देते हैं और ले लेंगे हम चकला। इसको हम इधर साइड में हटा देते हैं और इसको हम गोल करके और रोटी के साइज़ का इसे हम बेल के तैयार करेंगे। हमने इसे बेल के रोटी के साइज़ का जो है तैयार कर लिया। हल्का सा हमने लंबे में इसे किया है। अब हमें क्या करना है, हमने जो खोया जो तैयार किया था, खोया कभी भी आप तैयार करिए एकदम सूखा खोया जो है इसमें यूज़ करिए। देखिए अब इसे पीठ में ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा रखना है। अब यहाँ पहले ही हम पानी लगा देते हैं। ये क्या होता है, ये चिपकता नहीं है, खुलने लगता है, इसलिए पानी को इस साइड और इस साइड हमें लगा लेना अच्छे से। अब हमें इसे मोड़ना है ऐसे। देखिए ये जा रहा है साइड में, ये चिपक जाएगा, तुरंत चिपक जाएगा, खुलने के चांस नहीं रहते। अब ऊपर भी हम पानी लगा देंगे।
पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, ये पानी लगाना मत भूलिएगा नहीं तो ये खुलने लगेगा। देखिए हमने पानी लगा दिया, अब इस साइड का जो है इसे भी हम ऐसे चिपका देंगे। देखिए बहुत अच्छे से ये दोनों साइड का जो है चिपक गया। अब इसको हम उठा लेंगे हाथों में। देखिए उठाने के बाद ये रहता है, देखिए हमने दोनों साइड जो है लगा दिया अच्छे से पहले ही, तो ये निकला नहीं। अब हमें इसको ऐसे ले लेना है, इस पर हमें पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद ये इधर का जो पार्ट है ऐसे हमें लगा देना है। अब इस पर हम लौंग लगा देंगे। देखिए ये तैयार हो गया, बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप लौंग लत्ते को बनाइए, ऐसे ही हम सारा लौंग लत्ता जो है बना के तैयार करें। लौंग लत्ते जो है हमने ये बना के तैयार कर लिया है। हमने पहले से तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, तेल जो है गर्म हो गया है। अब इसे हम तलेंगे। अब एक एक करके सारे लौंग लत्ते जो है हम तेल में डाल देंगे। लौंग लत्ते को हल्का हल्का सा हम ऐसे ही चारों तरफ घुमाते रहेंगे कि अच्छे से चारों तरफ ये तले। देखिए कम पे रख के ही चूल्हे का फ्लेम कम होना चाहिए, जैसे हम लोग बालूशाही बनाते हैं चूल्हे का फ्लेम रखते हैं उसे भी कम पे रख के ही हमें तलना होता है। लौंग लत्ते को भी हमें कम पे रख के ही मठरी वगैरह हम लोग बनाते हैं तो ये बहुत अच्छे से फूलेगा, कच्चा थोड़ा भी नहीं रहेगा। ऐसे इसे हमें तल लेना है। लौंग लत्ते को तलते हुए पूरे 8 मिनट हो गया है, हमने इसे उलाटते पलाटते तला है। आप साइज़ देख रहे हैं कैसे ये डबल हो गया है। अभी और हमें इसे तलना है कि अंदर से ये कच्चा ना रहे। बस इसे हमें ध्यान देना है, बस उलाटते पलाटते इसे रहना है। ऐसे करते हुए इसे हमें तल के तैयार करना है। लौंग लत्ते जो हैं तल के तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप कलर कितना प्यारा हो गया है, ऐसे ही होना चाहिए। सारे लौंग लत्ते को हम थाली में निकाल लेते हैं, चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। अब हमें चाशनी में डाल देना है। चाशनी को हमने ढक के रखा था, चाशनी अभी गर्म है। अब लौंग लत्ते को हम चाशनी में डाल देते हैं। सारे लौंग लत्ते को हमने चाशनी में डाल दिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। इसे अच्छे से इसमें जो भी जूसी बनता है अब इसे ऐसे छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गया है, अब लौंग लत्ते को हम चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं इस प्लेट में। देखिए बहुत अच्छे से ये तैयार हुआ है, अभी गर्म है। सब निकाल लेते हैं। लौंग लत्ते को हमने प्लेट में जो है निकाल लिया, आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन और टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से आप लौंग लत्ते को बनाइए और खाइए। अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।